दोस्तों, आपको टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपनी दमदार अभिनय से दर्शकों का खूब दिल जीतते हैं और दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं में से कुछ कलाकार ने एक्टिंग के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया? अगर नहीं जानते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बातों से रूबरू कराने वाले हैं और साथ ही इन दमदार कलाकारों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, आयशा सिंह। इस लिस्ट में पहला नाम शुमार होता है आयशा सिंह का, जो वर्तमान में चल रहे शो गुम है किसी के प्यार में सई जोशी का रोमांस और नटखट अंदाज से भरा किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने इस किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं और दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। लेकिन अब अगर बात करें इनकी पढ़ाई की, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज तक की थी, जिसमें एक फंक्शन के दौरान इन्होंने एक्टिंग की थी। उस एक्टिंग के करने के बाद इन्होंने खूब तारीफें पाई, जिसके बाद इन्होंने अपना कदम एक्टिंग की दुनिया में बढ़ा दिया और ये आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन गई हैं। नंबर दो, शब्बीर अहलूवालिया। जी हाँ, शब्बीर अहलूवालिया, जो वर्तमान में चल रहे शो कुमकुम भाग्य में अभी का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और जो पिछले 7 सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं और दर्शकों की खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पढ़ाई की, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज तक की थी, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट एक्टिंग में था और ये इसीलिए अपनी पढ़ाई से ज्यादा ध्यान देते थे अपनी एक्टिंग पर और ये ऐसे ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर टीवी इंडस्ट्री में चले आए, जहां पर इन्होंने खूब मेहनत की और एक मशहूर एक्टर बने। नंबर तीन, शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी, जो स्टार प्लस पर पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार बड़ी खूबसूरती से दर्शकों के सामने पेश करती नजर आ रही हैं और ये अपने इसी दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही हैं, उनसे तारीफें हासिल कर रही हैं, जिसके जरिए ये टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री कहलाती हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी, तो बता दें कि इन्होंने अपनी पढ़ाई 12वीं क्लास तक की थी, जिसके बाद इन्होंने अपना कदम टीवी इंडस्ट्री की ओर बढ़ा दिया। नंबर चार, श्रुति झा। दोस्तों, इस लिस्ट की कड़ी में नाम शुमार होता है श्रुति झा का, जो वर्तमान में चल रहे शो कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का किरदार बखूबी दर्शकों के सामने पेश कर रही हैं और ये अपने इसी किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना चुकी हैं। वैसे तो इन्होंने काफी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन आज ये जिस सीरियल के लिए जानी जाती हैं वो है कुमकुम भाग्य। लेकिन अगर बात करें इनकी पढ़ाई की, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई 12वीं क्लास तक की थी, क्योंकि ये बचपन से ही एक मशहूर एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इनका सपना था टीवी इंडस्ट्री में आना और ये अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने सपने पर फोकस करने लगी, जिसके कारण आज ये पढ़ाई को छोड़कर टीवी इंडस्ट्री में आ गई। नंबर पाँच, रीम शेख। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में रीम शेख का भी नाम शुमार है, जो कि बचपन से ही एक टीवी इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं और वर्तमान में चल रहे शो तुस्ते है राफ्ता में कल्याणी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिससे आज ये दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं और दर्शकों की चहेती बनी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहां तक की है, तो बता दें कि इन्होंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल तक की है, क्योंकि ये अपने बचपन से ही एक्टिंग में मशहूर थी, इसीलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया में अपने कदम जमा लिए और ये अपनी मेहनत से एक मशहूर एक्ट्रेस बन गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सितारों ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ाकर ठीक किया या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।